Good morning, children. Today we again discuss about our food study. I taught you about the food. Why food is essential? Why food is uh, important for us? Now, in page number twenty-one, you have to color the only one thing which you take in the breakfast. You have to color one thing. Aplo ko isme kya karna hai? Color karna hai. Jo ap breakfast lete ho. यहाँ पर आप लोग देखो दिस इज अ राइस दिस इज रोटी दिस इज ब्रेड एंड बटर तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या करते हैं ब्रेड खाते हैं ना ब्रेड बटर लेते हैं कोई रोटी भी खाते हैं तो आप लोग जो खाते हो उसको कलर कर सकते हो तो हमने यहाँ पर ब्रेड को देखा है कलर किया हुआ है आप लोग भी कर सकते हो रोटी भी कर सकते हो कलर ठीक है ना जो आप लेते हो उसी को सिर्फ एक को कलर करना है अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड को कलर करोगे रोटी खा रहे हो तो रोटी को कलर करोगे सुबह सुबह तो राइस आप लोग नहीं खाते हो रोटी खाते हैं हम लोग और राइस कब करते हैं लंच में करते हैं तो यहाँ पे देखो लंच में राइस दाल सब्जी सब दिया हुआ है ठीक है ना वेजिटेबल्स है सैलड्स है तो ये सब हम लोग लंच में करते हैं उसके बाद डिनर डिनर में डिनर में क्या करते हैं डिनर में हम लोग रोटी सब्जी दाल चटनी ये सब खाते हैं तो आप इसको कलर कर सकते हो जो आप लेते हो डिनर में वही आपको कलर करना है अगर जो बच्चे एग खाते हैं डिनर में तो वो एग को कलर कर सकते हैं लेकिन सारे बच्चे मोस्टली एग तो नहीं खाते हैं तो रोटी सब्जी हम लोग रात में खाते हैं दाल चावल हम लोग दोपहर में खाते हैं एंड सुबह में ब्रेड बटर खाते हैं या रोटी खाते हैं जो आपको पसंद है वो आप कलर करोगे ठीक है कोई एक चीज को कलर करना है मैंने पहले भी आप लोग को ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं वो बताया है ब्रेकफास्ट हम लोग कब करते हैं तो ब्रेकफास्ट हम लोग मॉर्निंग में करते हैं ठीक है ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद लंच में हम लोग क्या करते हैं लंच में दाल चावल खाते हैं देखो यहाँ पे दाल चावल बना हुआ है ना और यहाँ पे दाल भी है सब्जी भी है और फोटो में बना हुआ है आप लोग देखो डिनर में क्या करते हैं डिनर में रोटी है सैलेड्स है सब्जी है है ना ये सब हम लोग डिनर में करते हैं तो आप लोग को पहले भी मैंने पढ़ाया है कल आपने पेज नंबर नाइनटीन बनाया था और ट्वेंटी बनाया था ये सब बन गया था अब आपका पेज नंबर ट्वेंटी वन ये आपको कलर करना है इसको आप कलर कर लोगे अच्छे से ठीक है उसके बाद इसमें ट्रू और फॉल्स है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट तो ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है वी शुड ईट क्लीन फूड तो हम लोग को साफ खाना खाना चाहिए ये सही है ट्रू ट्रू का मतलब होता है बच्चों सही सही का मतलब क्या हुआ ट्रू टी आर यू ई और फॉल्स का मतलब होता है गलत जो चीज़ गलत है वो हम उसको फॉल्स लिखेंगे तो हम लोग को सुबह में कैसा हम लोग को कैसा खाना चा, खाना चाहिए वी शुड ईट क्लीन फूड हम लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए ना कि खराब खाना खाना चाहिए अच्छा खाना खाना चाहिए तो हम लोग ट्रू लिखेंगे इसके लिए फॉर गुड हेल्थ वी शुड ईट मोर ऑफ फ्राइड फूड और हम लोग को अपने सेहत के लिए अच्छे सेहत के लिए खूब सारा फ्राइड फूड खाना चाहिए क्या नहीं हम लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ पर देखो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है कि हमको देखो वी शुड एवॉइड क्या करना चाहिए स्पाइसी फूड कोल्ड ड्रिंक स्वीट चॉकलेट टू मच फैटी फूड और फ्राइड फूड देखो है ना फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए एवॉइड करना चाहिए एवॉइड एवॉइड करना चाहिए फ्राइड फूड उसको नहीं खाना चाहिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ मिल्क प्रोडक्ट क्या हमारे लिए अच्छा है गुड फॉर हेल्थ है तो नहीं हमारे लिए मिल्क मिल्क प्रोडक्ट अच्छा नहीं मेरे गुड फॉर हेल्थ है हाँ है इसका क्या करेंगे ट्रू करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ ट्रू तो ये हमारा ट्रू हो गया मिल्क प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है इसलिए हम लोग को मिल्क प्रोडक्ट खाना चाहिए इसको ट्रू लिखेंगे अब देखिए लास्ट में क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अनहेल्दी क्या ये अनहेल्दी होता है नहीं हेल्दी होता है ना तो ये तो फॉल्स हो गया गलत हो गया हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए तो इसको क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे ठीक है ना क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है तो आपके ए में क्या हो गया ट्रू बी में हो गया फॉल्स सी में हो गया ट्रू डी में हो गया फॉल्स इस तरह से आपको अपने बुक में सुंदर राइटिंग में लिख लेना है और ये जो कलर करने वाला है ना इसको भी अच्छे से कलर करना है ठीक है ना बह बढ़िया से कलर कर लोगे डिनर में क्या खाते हो आप लंच में क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में क्या खाते है उसको अच्छे से क्या करेंगे कलर कर लेंगे अपने बुक में सुंदर से और उसके बाद इसको बनाना है आपको अच्छी राइटिंग में अपने बुक में ठीक है ना तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है द फूड आवर फूड वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको इसमें का हार्ड वर्ड्स भी याद करना है जो जो मैंने अंडरलाइन कराया था फूड एनर्जी ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्दी ये सब पढ़ के याद करोगे वेजिटेबल्स फ्रूट्स राइस पल्सेस फिलहाल इतना कर लोगे आप बुक में बना लोगे ठीक है ना इसको बना लोगे पेज नंबर ट्वेंटी वन को बना लोगे आप दिस इज योर होमवर्क और अच्छे से बनाएंगे अच्छे राइटिंग में बनाएंगे कलर भी अच्छे से करेंगे इधर उधर नहीं निकालेंगे कलर को करने में ठीक है ना लंच वाला भी कलर अच्छा से करेंगे डिनर का भी कलर अच्छा से करेंगे ब्रेकफास्ट का भी कलर अच्छा से करेंगे इधर उधर नहीं निकलना चाहिए और जो आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे वो भी आपको सुंदर राइटिंग में जैसे मैंने लिखा है ना टी आर यू ई ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इस तरह से करके आपको अपने बुक में बना लेना है ठीक है किसी को कोई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को आप लोग अच्छे से बना लोगे गुड बॉय गुड गर्ल की तरह तो ये हो जाएगा ई में कम्प्लीट हमारा फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ईवीएस में ठीक है टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू